शादी मत निकाल लिया करो यार वो बात को, नहीं जानता मेरी शादी हो रही, मेरी शादी हो रही है। अरे यार सुन तो ले। अरे मतलब कि जैसे कि अपने अभी जब से शादी का फिक्स हुआ है तब से मतलब ऐसा सुकून से बैठ के हमने कभी मतलब ऐसी बात नहीं की है लाइक तो क्या हो गया बाद में कर लेंगे शादी की बात कर लेंगे अभी इतने दिन। अरे वैसी अपनी बात नहीं, वैसी तो रोज होती है यार लाइक अब हम दोनों की बात है जैसे हाँ करते हैं ना तो क्या कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अरे यार वो यार मेरे को क्या फील हो रहा है, मेरे को तुम्हें समझता नहीं है मेरा तो दर्द मैं ही जानता हूँ। नहीं यार थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, थोड़ा अच्छी बातें करेंगे, मतलब मेरी फीलिंग्स के बारे में मैं ही जानता हूँ। तो तुम्हारे फीलिंग्स तो क्या भाई, बस तो सिर्फ मेरा आगे सिर्फ मेरा, और वो तीन लोगों में नहीं बटती, वो दो लोगों में नहीं बटती। सिगरेट, अबे मेरी फीलिंग्स पे सिर्फ मेरा आगे सिर्फ मेरा, वो दो लोगों में नहीं बटती। अबे मैं शाहरुख खान का डालूंगा, चुप बैठ। अरे मतलब देख यार आप लोगों को पता है मैं हमेशा ना अच्छी मतलब से रोमांटिक सी चीज़ें मैच्योर सी बातें करने जाती हूँ, जैसे कि कुछ अच्छा ऐसा तो हमेशा ऐसी घान कर लेते हैं और मैच्योर। हाँ क्यों अब तुम नहीं, उसको मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं। अरे यार मैं तो अच्छे से बोलने ये जा रही हूँ कि लाइक जब से रिश्ता हुआ है ना तब से अपन बैठ के मतलब ब्लॉग में हम दोनों बैठ के पर्सनली नहीं, वो तो करते ही है, मतलब सब वीडियो में हमने बताया नहीं लाइक हमें कैसा फील हो रहा है। जो तीन साल पहले तुम बोलते थे मेरे को जैसे शादी करनी है वरना मैं देख ले मेरी शादी नहीं होगी, अपनी शादी नहीं होगी तो ये वो मुंह मत बनाओ ऐसा, आईफोन है वरना मैं रिकॉर्डिंग बताती थी। तो वो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अच्छा मेरे को कैसा फील हो रहा है लाइक के तुम्हारे अभी सिर्फ कुछ दिनों में काउंट डाउन शुरू ही हो गया है, उन दिनों में तुम्हारी शादी है, अच्छा मुंह बना के बोलो तो तुम्हें कैसा अच्छा लग रहा है? कुछ ही दिन बचे हैं यार। औरतों को अच्छा लगता है, औरतों को क्यों अच्छा लगता है यार, औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आदमी लोग को अच्छा लगता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे कुछ मतलब सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, औरतों की अलग होती है, आदमियों की होती है। आदमी लोग एक साथ बहुत सी चीजें झेलते हैं। हाँ वैसे औरतें भी झेलती है यार, ऐसा मत बोलो ना। हाँ औरतें भी कुछ कम नहीं करती। अरे बुआ है, हाँ भाई सुकून कहाँ मिलेगा? मेरे साथ ही ही ही। मैंने बोला था अकेले में नहीं, मेरे साथ। अच्छा बुआ ऑन सीरियस नोट तुम्हें कैसा लग रहा है? व्हाट अबाउट क्या हमारी कुछ ही दिनों में शादी है? सो लग रहा है नाइस। तुम्हारी बैचलर की जो टैग है वो फिर बैचलर से कपल में आ जाएगा, एक शादीशुदा आदमी। अच्छा है, लड़के से आदमी बन जाओगे, लड़के से आदमी। तुम्हें तुम्हारा तो प्यार मैं। लड़के थे ना अभी आदमी बन जाओगे। लड़का मैं जैसे मैं लड़की से भाभी साल पहले था भाई, आज मैं दीदी से भाभी वो नहीं यार। और लड़के 21 की उम्र तक ही होते हैं भाई, उसके बाद क्या है? ठीक है ठीक है। और क्या है जैसे मतलब अच्छा यार सब तुम जिसे प्यार करते हो देखो लाइफ में ना कैसा रहता है मालूम, जैसे बहुत से दुनिया में लोग है जिनको अपना लव वन नहीं मिलता है, अनफॉर्चुनेटली उन लोग की कहीं और शादी हो जाती है फैमिलीज के वजह से या बहुत से और दूसरे रीजन होते हैं। प्यार करते थे शिद्दत से, क्यों मत शादी? व्हाट प्यार नहीं करती थी क्या? मैं करती थी तो इसलिए कर लिया, क्या बोलती नहीं, 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 नहीं बहुत गलत बात है ये, ऐसा नहीं होता है। तो तुम नहीं करते हो क्या लाइक मतलब एक रहता है यार वो यार एक सीरियसली देखो यार इसे मैं कभी इनसे सीरियस बात कर ही नहीं सकती, अपनी में कोई भलता लड़का होता दूसरा कोई अभी मैं बात कर रही थी तो सीरियसली बात करता था, फिर अभी इनसे सीरियसली बात कर रही हूँ तो अपना अलग अलग दे जा रहा है। क्या कर सकते, पटाई ऐसा बंदा है। मैंने नहीं पटाई, कहाँ से पड़ गए क्या मालूम, मेरी तो तौबा ही कबूल नहीं हो रही। तेरी लव स्टोरी नहीं है, ऐसा बंदा है, तेरे हस्बैंड ही ऐसा है। हस्बैंड बैंड वो मेरी बजा रहा कि मैं उसकी बजाने मुझे आई डोंट नो, लोग बोलते हैं हंस हंस के बैंड बजाएंगे हस्बैंड्स की, मैं तो उल्टा ही छोरा मैं अभी कम की नहीं हो पाई तो परेशान नहीं हूँ।
अच्छा मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या पूछ रहे हो तुम्हें? मेरे को मतलब अरे यार इनडायरेक्टली मुझे मेरी तारीफ सुननी है, समझ गए? तो बात भी हो जाए, तारीफ नहीं करता, एक्स्ट्रा बात मत करो, मैं तुम सो रहा हूँ। तो हाँ तो मतलब तुम्हें तुम्हारे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। अरे यार भाई साहब सुन लो। अच्छा बोल, तो मतलब अब एकदम चुप बैठ जाना, एकदम खामोश। तो मींस के खामोश, तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ तुम्हारी फाइनली शादी हो रही है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? गुड फीलिंग, माशाल्लाह। बू यार, अरे क्या बू यार, ये क्या बात हो जाती है यार, बू यार कितनी बड़ी, जस्ट फील इट कि मेरे साथ तुम्हारी शादी हो रही, फील करो, फील कर रहे कि फाट कर रहा है? अलग मुझे बात करो बस। इंसान तो प्यार से एक रोमांटिक वे में बोलता है कि यार वाओ लाइक मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, आई एम ब्लेस्ड और ऐसा फलाने का अपने मतलब जो एक फीलिंग होती है अंदर की नेचुरल, थोड़ा मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा अरे वो मत करो ना, मुझे ना मोस्ट ऑफ द थिंग्स में इनसे ना मतलब बोल बोल के करवानी पड़ती है। लाइक आप लोग ने ऐसी कुछ रील्स देखे रहोगे कि वो रहता है ना कि फूल फ्लावर हस्बैंड आता है तो उसको ना लड़की फ्लावर देती है हाथ में, ऐसा ऐसा गिफ्ट देती है, फिर डोर बंद करती है, फिर डोरबेल बजाने बोलती है। सही में तुम भीड़े लग रहे हो अब तो, बोलो सा एक मेबल सेक्रेटरी चीचा लग रहे हो, मतलब वो सर इतना अनरोमांटिक टाइप्स के, मतलब हमें ही कर के देना पड़ता है कि हाँ आप हमारे लिए करो लाइक। तो चाहती है मैं लव यू बोलूं? मैं तो बोलो अब तुम चाहती भी नहीं, जरा भी नहीं चाहती हूँ मैं, पूरा मूड स्पॉइलर। हाँ जान दो कुछ बताइए, इसने बोलने के लिए अभी मेरे पास दिमाग खराब कर रहा लाइक वैसा होता है ना क्या करूँ, हाय मुझे बुढ़ा मिल गया, इसे कहते ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो लोग उम्र से पहले बुढ़े हो जाते हैं लाइक फीलिंग से हर चीज कैरेक्टर वाइज, ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल माई बेबी। इसको हस्बैंड मटेरियल बोलते हैं बेटा, इसको हस्बैंड नहीं इसको अंकल मटेरियल बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देंगे लोग, समझे क्या? हस्बैंड मटेरियल, मैं वो लड़का नहीं जो क्लबों में जाता है, मैं वो लड़का नहीं कौन बोल रहा तुम्हें लड़कियां घुमाता है, मैं वो लड़का नहीं जो फालतू गिरी करता है, हो गया सिंपल बंदा जो अपनी बंदी को बस ठीक है जो समझना है समझ लो, तू वो बंदा है, आई एम बीड़े, तू बोल मैं बीड़े हूँ, मैं बीड़े हूँ लाइक मैं मेरे लिए बात कर रहा कि मेरे लिए लड़कियां मरती, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर जो है ना, ऐसा कैरेक्टर परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल होता है जो एंड तक एंडिंग तक साथ देता है, समझे? ऐसा कैरेक्टर, या आई अप्रिशिएट फॉर दैट, वरना वरना नहीं, ऐसे जो जिसको तुम फुल्ली मॉडर्न लाइक टाइप्स ऑफ मटेरियल समझते हो ना, जो ऐसा चांपू चांपू ऐसे मतलब लाइक एक बात बोलूं, चूचा चूचा में, यही नहीं अभी और सुनिए, देते हैं मुझे बोलने ही नहीं देता है यार, ही इज नॉट एन हस्बैंड मटेरियल, ही इज नॉट एन हस्बैंड मटेरियल, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है, कब से देख रहा है मैं मेरे बीड़े वाले कैरेक्टर के लिए बात कर रहा हूँ, बस सिंपल है बॉस, मैं इनको ये नहीं बोल रही हूँ, जिन्हें बीड़े कहती है शादी उन्हीं लड़के से करती है वो, नो नो एक बात बोले देखो, और अगर गलती से नॉन बीड़े टाइप के लड़कों से शादी हो जाती है तो रिश्ता टूट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बस तू थोड़ी नादान है इस वजह से थोड़ा मच मच हो जाता है, चलो ठीक है, हां है ना, नो यू आर नॉट, मेरी जितनी मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग होती, नो 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 यू आर नॉट मैच्योर एज़ वेल, यू आर नॉट मैच्योर, यू आर नॉट मैच्योर, नहीं है अरे बाप रे बाप। अच्छा वो सुन ना यार, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं यार, बोलने ही नहीं दे रहा हूं इनको कि भीड़े मींस, थैंक यू, भीड़े मींस के जो ये अनरोमांटिक से है, जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मोस्ट लड़कियों के साथ लगता है कि कोई रोमांटिक, चुप बिल्कुल चुप होना चाहिए, बोल ले दो यार, बोल रहे हो ना उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, रोमांटिक आदमी को होना चाहिए पर रोमांटिक अकेले में होना चाहिए, अरे वैसा नहीं बोल रही हूँ, यू नेवर अंडरस्टैंड, यू शट अप, ड्राइविंग पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इनको क्लबिंग, हाँ मत समझो,
मैं ये भी नहीं बोल रही इनको कि तुम क्लबिंग करो, 10 लड़कियां और ये सब चीज की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। भीड़े मतलब के अनरोमांटिक से देखे, ये मेरे को ऐसा ही बोलते हैं भी है लाइक सब मेरा वो यार प्लीज बोल देते तो मतलब कि जो भी है मतलब मतलब हो जा जरा मतलब अरे यार प्लीज यार बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ लाइक अरे मैं क्या अरे रे मैं तो गिरा रे दिल भी गिरा रे मैं तो गया रे गिरा रे अच्छा ठीक है मैं ये बोल रही हूँ कि भीड़े मीन्स लाइक कि थोड़ा एक्सप्रेसिव रहो लाइक ऐसा नहीं बोल रही क्लबिंग करो 10 लड़कियां वाले वो सब चीज बहुत सही है तुम्हारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बट थोड़ा एक्सप्रेसिव रहो क्या और थोड़ा सा रोमांटिक टाइप से बहुत भीड़े से यार एक लव यू भी लव यू बाय गुड नाइट फोन पे बोले यार थोड़ा तो प्यार लाओ थोड़े तो तुम्हारे वॉइस में सब प्यार सब झलकना चाहिए सिंपल नहीं यार मेरे साथ थोड़ा नहीं हो यार तेरे साथ क्या मैं तेरे साथ क्यों तू मेरे साथ ही रहेंगे ना क्या दूसरे साथ रहेंगे मतलब ऐसा मतलब किसी का भी ऐसा होता है जो मतलब प्यार बहुत मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 लोगों को दिखा के नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 लोगों को दिखाओ लाइक ऐसा चिपकना एंड ऑल ये सब बिल्कुल नहीं ये सब मैं बोल भी नहीं रही हूँ मैं बोल रही हूँ लाइक अकेले में यार थोड़ा प्यार स्टाइल है तुझे वो समझ में आता है तो ठीक है तो मेरा भी स्टाइल रहेगा मुझे सुनना यार तू मेरे लिए अगर मुझे चीजें कुछ मुझे अरे यार मतलब मुझे कुछ चीजें पसंद है मुझे जो चीज चाहिए तो मतलब तुमको मैं बता रही तुम करो ना वैसा मैं थोड़ा पूरी सबको दिख रहा है आप लोग रिपोर्ट कर देना इसका चैनल अच्छा शादी में क्या पहनने वाले शेरवानी पहन लो मैं तो कुर्ता पैजामा लेने वाला था वली में का कुछ किया क्या सिलेक्ट घर में ही है ना नॉर्मल सा आप लोगों को बता दूं ये शायद हम लोग का रिसेंट में लास्ट या सेकंड लास्ट व्लॉग होगा उसके बाद हमारे सोलो ब्लॉग्स आएंगे उसका रीजन भी आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे मैं भी सोच रही हूँ हाँ मैं क्लियर करता हूँ ना फिर आपको भी याद आएगा क्यों तो जैसे कि आप लोग सोच रहे हो ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई हम लोग तो सोच रहे शादी के ब्लॉग बहुत सारे आने वाले हैं भाई पर कैसा है मालूम है क्या मैं बोला ना काफी सिंपल है हम लोग तो ये अपने घर पे रहेगी अच्छा वैसा मैं अपने घर पर रहूंगा हम लोग शादी से पहले मिलेंगे नहीं और सिर्फ 10 दिन पहले हम बस 10 दिन से ज्यादा मैं तुम्हारे से मिले बिना नहीं रह सकती तो गाइस बात ऐसी है कि 10-15 दिन हम लोग मिलेंगे और बहुत सिंपल मैरिज कर रहे हैं हम लोग लाइक तो हम लोग निकाह मस्जिद में करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह उससे पहले जो भी चीज़ें होगी हल्दी मेहंदी जो होती है लड़कियों की वो लड़की के चैनल पर आते रहेगा और बहुत आप लोगों को मज़ा आएगा उसमें क्योंकि ये मत बोलना कि अरे यार आप लोग साथ में चाहिए था अपन लोग मॉडर्न टाइप से नहीं शादी कर रहे अपन हल्दी मेहंदी वाले सिंपल हाँ सिंपल सिंपल शादी कर रहे और हल्दी इनके घर पे होगी और मेहंदी भी इनके इनके इधर ही होगी मतलब अकेले हल्दी मेहंदी दोनों साथ में नहीं रहेंगे अलग सेपरेट सेपरेट होगा फंक्शन लेकिन आप लोगों को दोनों तरह के किस्से देखने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि मेरे घर पे कैसी हो रही है वो मेरे चैनल में पता चलेगा और इनके इधर कैसी हो रही है वो इनके इधर पता चलेगा तो होप आप लोगों को सारा कुछ बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आप लोगों को एक आइडिया तो मिल ही गया हमारी बातों से कैसा क्या होने वाला है सिंपल शादी हो रही है गाइस हम लोग सुन्नत तरीके से लाइक रिसेप्शन है निकाह जो हम लोग का मस्जिद में होने वाला है उसके बाद सुन्नत तरीके है शादी से पहले मिलेंगे निकाह के दिन तो पहले डायरेक्ट हॉल में मिलेंगे या तरीके से निकाह अगर होता है तो उसमें माशाल्लाह से बरकत होती है देखो हर निकाह में बरकत होती है हर निकाह में बरकत होती है निकाह जो है वो ऊपर से ही जुड़ के आता है ऊपर वाला कबूल फरमाए बुरी नजर से बचाए आमीन बस लाइफ में बहुत कुछ देख लिया अभी और नहीं देखना है कुछ इंशाल्लाह हमारा जो नया साल है उसके पहले ही महीने में अच्छी चीज की शुरुआत करने जा रही है तो इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाए और खैर आप लोग भी दुआ करो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने ये साल देखे हैं इंशाल्लाह अगला साल और आने वाला हर साल हमारा अच्छा जाए और कुछ नहीं देखना है मेरे को लाइफ में सर्वेक्षण बस हो गया
दुआ करो गाइज आप लोग भी, दुआ में याद रखना जरूर। तो इसी के साथ गाइज हम लोग ये ब्लॉग यही एंड करते हैं, बहुत हो गई शादी की बातें, शादी के बाद अभी कुछ नहीं करेंगे, सीधा आप लोग ब्लॉग में देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई होप आप सब लोग एक्साइटेड है yes, me too. हमारी शादी को देखकर देख। शादी की खुशी में कुछ ज्यादा चबी हो गई हूँ इंसान शादी का बाद होता है, मैं अभी हो रही हूँ। चलो गाइस अच्छा है, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, के साथ हम लोग यही एंड करते हैं, बहुत ज्यादा बात हो गई और मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes. Bye. Bye.